हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केवीएन हॉस्पिटल। और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको वीडियो अंत तक ज़रूर देखें इसको समझने के लिए। दोस्तों, एंटीबायोटिक हर बार ज़रूरी नहीं होती। एंटीबायोटिक क्या होती है, इसका कैसे काम होता है, पहले कब बनी और क्या है इसका, इसको पूरी तरह समझने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बीमारी तुरंत आराम के चक्कर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। हर बार एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी नहीं है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो नज़ला ज़ुकाम हो गया कि पहुँच गए मेडिकल पे, पहुँच गए पड़ोस में, वो क्या करता है कि एक लो ये एक एंटीबायोटिक हो गई, एक ये एस्टेरॉइड दे दी, एक साथ में जो है कोल्ड वगैरह की टैबलेट दे दी। अरे भाई, नज़ला ज़ुकाम खांसी, नज़ला ज़ुकाम जो है वो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, तो वायरस में एंटीबायोटिक का क्या काम है? वायरस में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का। बीमारियों के लिए कारगर दवाइयाँ नहीं थी, तो सन 1928 में एक चाचा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो उन्होंने 1928 में सबसे पहली एंटीबायोटिक का आविष्कार किया। उसके बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयों का आविष्कार होने लगा और बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो थी उनको आसानी से उनका इलाज लोग इसके लिए आदि हो गए। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इससे जो है इसके फिर साइड इफेक्ट भी सामने आए। यानी कि अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है तो क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, जो अपने आप हमारी जिस्म जो है अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया कि वो बीमारी से लड़ सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोग इसका आदि हो गए, खाने लगे, और बंगाली बाबा जो रहते हैं आस पड़ोस में आपके, उन्होंने लोगों को जो है देना शुरू कर दिया हर चीज़ में। लोग जुकाम हो गया, लीजिए एंटीबायोटिक, ये लीजिए एंटीबायोटिक। तो भाई, एंटीबायोटिक का हर बार इस्तेमाल नहीं करना है। एंटीबायोटिक का जब इस तरह इस्तेमाल होने लगा तो हुआ ये कि हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो गई। यानी कि हमारे से लोग अपने आप जो हमारे रोग से लड़ने की जो क्षमता थी हमारे जिस्म के अंदर वो तो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इससे जो है हमारे बॉडी पार्ट्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। नहीं होता ये है कि और जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे, यानी जिनको जिनकी वजह से ये इस्तेमाल की जाती थी ये दवाई एंटीबायोटिक, तो वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। यानी वो इनसे लड़ना सीख गए, जो बैक्टीरिया रह जाते थे तो अपने आप को उन्होंने जो है इस काबिल बना लिया, वो ज़्यादा ताकतवर हो गए, वो लड़ सकते हैं। तो अब उन दवाओं ने क्या काम करना ही बंद कर दिया। जो अब उससे क्या होता है कि अब जो सस्ती एंटीबायोटिक थी, यानी कि जो आसानी से ठीक की जा सकती थी बीमारी, तो पहले से आपने एंटीबायोटिक को खा रखी है, तो अब वो बैक्टीरिया उससे लड़ने की कुवत उसमें आ गई है, तो अब उस एंटीबायोटिक से काम नहीं होगा। अब उससे ज़्यादा पावरफुल दवाई, उससे ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी उसको एंटीबायोटिक, आपको एक ऐसी बात बताऊँगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एंटीबायोटिक का हमारे देश यानी भारत में होता है। नंबर वन पे हमारा देश जो है एंटीबायोटिक खाने में, यानी हर आदमी जो है छोटी बड़ी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक खाता है। तो दोस्तों, एक समय था जब टीबी जैसी घातक बीमारी को भी जो है आसानी से जो है ट्रीट किया जा सकता था, अभी भी होता है, लेकिन वो क्या रहा है, एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से तकरीबन 5 लाख लोग हमारे देश में मर चुके हैं। यानी कि उनमें जो है वो एंटीबायोटिक जो थी बेअसर हो गई, क्योंकि वो एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। और पहले के समय में क्या होता था कि टीबी को आसानी से 6 महीने का कोर्स किया, 9 महीने का, तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5 लाख लोगों पर जो है ये बिल्कुल बेअसर रही एंटीबायोटिक जो थी, जो टीबी के खिलाफ बनाई गई है, तो उसमें जो है 5 लाख लोगों पर काम वर्क ही नहीं हुआ। यानी वो इतनी बेअसर हो गई, उससे नकारात्मक असर इतना पड़ा कि वो बिल्कुल बेअसर हो गई, जिसकी वजह से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, ये संख्या अगर इसी तरह चलता रहा तो ये संख्या कम से कम 1 करोड़ पहुंचेगी। यानी एक साल में 1 करोड़ लोग एंटीबायोटिक के बेअसर होने की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझें कि हर बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है।
आप जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो आप जो है तभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, ना कि वायरस में। तो दोस्तों होता क्या है कि अब इसको समझना ज़रूरी है, कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी फंगस से होती है। तो इसको समझेगा कौन? अरे भाई, इसको डॉक्टर समझेगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे बात कीजिए। और एक अहम ज़रूरी बात यह है कि एंटीबायोटिक का क्या है ना, कि जितने दिन आपका डॉक्टर बोले उसको एंटीबायोटिक का कोर्स को कंप्लीट करें, और 3 से 7 दिन, 14 दिन, जितने दिन वो बोलता है आप उसके कोर्स को कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं आप, अगर एंटीबायोटिक को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो बैक्टीरिया पावरफुल हो जाता है, यानी उससे लड़ने की जो है कुव्वत आ जाती है उसके अंदर। अब होता क्या है कि वो अगली बार जब वही दवाई इस्तेमाल की जाती है तो काम नहीं करती है। और अगर कोई बीमार है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से घर में किसी दूसरे आदमी को बीमारी हो गई, तो वो जो इस्तेमाल कर रहा था एंटीबायोटिक, तो वो दूसरे बंदे पे भी, यानी जिसको वो बीमारी हुई है, वो काम नहीं करेगी, वो वाली एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ ली दोस्तों कि एंटीबायोटिक हर बार ज़रूरी नहीं होती। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। हल्की फुल्की, जैसे आप सपोज दैट, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि बुखार होता है किसी, तो उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक भी देते हैं और पैरासिटामोल भी देते हैं। पैरासिटामोल क्या करती है, उसको बुखार को कम कर देती है। लेकिन अगर हम उसको गीले पानी की पट्टी करते हैं तो बुखार कम हो जाता है, हम ये देखते हैं। तो इसलिए जो है एकदम से छोटी सी हल्का सा बुखार हुआ या हल्की ये हुआ, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, तो एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी नहीं है। आप खुद से मेडिकल स्टोर पे जाके वो क्या करते हैं कि हाँ लीजिए, एक एंटीबायोटिक हो गई, एक ये हो गई, उन्होंने वो याद कर रखा है, वो रट रखा है, वो पुड़िया बना के देते हैं, जिससे जो हर हर मरीज को उसमें एंटीबायोटिक देते हैं। तो हर बार एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती। तो आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, जिनकी आप फिक्र करते हैं, आप उनको शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको भी समझ में आएगा। और कमेंट कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।